यूनियन के बैनर तले वीरवार यानी आज फतेहाबाद में आईटीआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए छात्र फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को सीएम मनोहरलाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वो आईटीआई के डिप्लोमा धारक हैं, जिन्हें सरकार ने विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस के तौर पर एक वर्ष के लिए लगाया है। ये छात्र प्रशासन से अप्रेंटिस के तौर पर उन्हें 3 वर्ष का रोजगार दिए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका वर्क एक्सपीरियंस उनके काम आ सके। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सरकार से मांग है कि अप्रेंटिस की जगह छात्रों को स्थायी रोजगार मुहैया करवाया जाए और उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। हमारा मामला ये है जी, हम आईटीआई से अप्रेंटिस लगी है, हमारी 1 साल की है, हम बिजली घर में अप्रेंटिस कर रहे हैं फतेहाबाद में। तो हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए, हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा जी। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आगे हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। 1 साल बाद में 1 साल की कोई वैल्यू नहीं होती कोई कंपनी में जाए, या हमें डीसी रेट पर रखा जाए, या इसके हमें 3 साल का किया जाए जी, हमें स्थायी रोजगार दिया जाए, यही मांग रहे हैं। तो आप कौन से महकमे से हैं? बिजली घर से आए हैं जी, हमने आईटी इलेक्ट्रिशियन से किया। हमारे नारियल बंदे कोई कोपा ट्रेड से है, किसी की रोडवेज में अप्रेंटिस लगी है, किसी की बिजली घर में लगी है। तो आगे कोई किसी सिविल हॉस्पिटल में लगी है, आगे कोई भी वैकेंसी निकले तो हमें पहले मान्यता हमें दी जाए जी। तो कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं जी? सर हमें अभी 8 महीने हुए हैं, हमारे 1 साल की अप्रेंटिस 4 महीने बाकी है, हम बेरोजगार हो जाएंगे 1 साल के बाद। ये सरकार से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के। तो कौन सी पॉलिसी के तहत आप यहाँ लगे हुए जी? अप्रेंटिस एक्ट के तहत लगे हुए हैं जी। तो क्या काम है आपका? अप्रेंटिस हमें प्रशिक्षित किया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है काम। आगे सिस्टम तो ये होता है जी, आगे कोई भी एक्सपीरियंस बन जाता है, जिससे अगर कोई वैकेंसी निकले तो डीसी रेट पर इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसी के तहत आए हैं जी, हमें प्राथमिकता दी जाए या डीसी रेट पर रखा जाए, स्थायी रोजगार दिया जाए, या हमारी अप्रेंटिस को 3 साल किया जाए तो आगे जाके कंपनी में भी हम हमारा प्रमाण पत्र दिखा सके। 1 साल की कोई वैलिड नहीं है जी अप्रेंटिस। अब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं जी। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा।